हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था और ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको मतलब बेसिक से ही चीज़ें मिलेंगी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और अब इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। उसके बाद हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होंगे कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफाई करने, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और उसके अलावा हम जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा पढ़ेंगे एंड में जो बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए और आगे भी यूज़ होंगी, वो जैसे प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, फैक्टर ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शायद लंबी जाएगी ये, और होल नंबर का टॉपिक हम कोशिश करेंगे इसमें ही कंप्लीट करें और कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर, ऑप्शंस थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ऑप्शन थे, ए ऑप्शन था ओनली ए एंड बी, बी ऑप्शन ओनली ए एंड सी, एंड सी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो। और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखा था, उसके बाद वीडियो ही कुछ वीडियो ब्रेक सी हो गई थी, वीडियो रुक गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो करा दूँ। दो क्वेश्चन लिख के रखे थे लेकिन वो वीडियो में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर, होल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं इनमें से किसमें, और ऑप्शन सेम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और फिर कैपिटल ए में जो ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, ओनली बी ओनली ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, और इसका आंसर भी है बी, होल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स इज, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर्स की, 0, 1, -1, 2, तो इसका आंसर है 0, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर्स की, तो वो है 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 30 एंड 100, 100, 30 और 100 के बीच कितने होल नंबर्स हैं। तो इसका सलूशन है, फार्मूला है ये, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस 1, तो जो रिजल्ट आएगा उतने नंबर्स होंगे दो होल नंबर्स के बीच। तो लार्जर नंबर है हमारे पास 100 माइनस 30 स्मॉलर नंबर है, और माइनस 1 फार्मूले का, 100 माइनस 30 70 माइनस 1, 100 माइनस 30 आया 70 और माइनस 1 ये, तो ये बनता है 69। देयरफॉर देयर आर 69 होल नंबर्स बिटवीन 30 एंड 100, देयरफॉर देयर आर 69 होल नंबर्स बिटवीन 30 एंड 100। और ये फार्मूला आप मतलब अगर बड़ा नंबर भी दिया होगा 3-4 डिजिट्स का तो उनके लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस 1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतने नंबर्स तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, 30 टू 100 तो इंसान काउंट कर भी सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो वो
क्लिक कर सकते हो और आप ये फार्मूला लगा सकते हो उधर, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मतलब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, तभी मैं बता रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज का यूज। फाइंड 837 प्लस 208 प्लस 363, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, मतलब इजी वे में बनेगा ये इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ए को ऐसे ही रखेंगे हम, 837 इनको इंटरचेंज करेंगे प्लस इस और इसको करेंगे बी और सी को, 363 प्लस 208, इसको हमने किया कॉमटेटिव प्रॉपर्टी, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की प्रॉपर्टी। ये इसलिए यूज़ की क्योंकि 7 और 3 बनता है 10, मतलब 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। तो पहले हमने कोशिश करनी है, अगर कैलकुलेशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी के मतलब यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो वैसे ही अरेंज करना है क्वेश्चन को, क्योंकि बाद में वो आगे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में इजी होता है करना। तो जैसे ये 7 और 3 बनता है 10, तो ये बनता है 0। 7 प्लस 3 आया 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9, 9 तो कैरी वाला 1, 10, 10 का 0 कैरी, फिर 1 3 8 11th, 11th 1 और कैरी वाला 1 ऐड करेंगे बना 12। ये बनता है 1200 प्लस 208, ये बनेगा 1408। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को ये हमने यूज़ किया ताकि ये सिंप्लीफाई जल्दी होगी। अगर ऐसे करते थोड़ा टाइम लगता, अगर 10 सेकेंड ही आपके एग्ज़ाम में बच जाएँ तो वो भी हेल्पफुल रहते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, फाइंड 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647 का सॉल्यूशन। इधर भी हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे कहाँ अगर 0 आ रहा है तो वैसे ही अरेंज करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। देखो इधर 2 है और इधर 8 है, 8 प्लस 2 10 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो आगे कैलकुलेशन में इजी होगा। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेंगे, और ये भी है 3 प्लस 7, ये भी 10 बनेगा, मतलब कमोटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। प्लस 1538 प्लस, ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं आपको मतलब ये, लेकिन पता होना चाहिए कि किस वजह से किया, ये इस प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम करते हैं ये इंटरचेंज। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमने इंटरचेंज किया, ए है ये, ये किसके बराबर आएगा, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 3 6 9 1 10 का 0 कैरी 1, 5 9 14 1 15 कैरी 1 1 1 2 1 3 3500। इसी तरह 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 5 9 कैरी वाला 1 10 हो गया 10, 10 का 0 फिर कैरी 1 6 4 10 1 11, ये बनता है टोटल 4600। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 × 2 × 1768 × 50। इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अरेंज करेंगे। देखो 50 × 2 अगर ऐसे करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 50 × 2 50 को इस साइड लाएंगे, ये ए है ये बी है, इसको करेंगे हम बी इंटू ए, हम यूज़ करेंगे ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी।
ये बनेगा 52 ज़र 100, फिर सीधा 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी बनेगा, जाएगा 2 × 50 × 1768, ये बनेगा 100 × 1768, तो ये बनेगा 1768 और दो ये ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट इंटू टू नाइन वन इंटू वन टू फाइव, ये ए ये बी, इसको भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही हम यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, ये बी इंटू ए आएगा, फिर करेंगे ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हम यूज करेंगे, एट इंटू, ताकि ये बनता है ज़ीरो आता है इससे, जब एट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ, मतलब इस नंबर के साथ, तो यूनिट डिजिट पे ज़ीरो आता है, एट इंटू वन टू फाइव इंटू टू नाइन वन, एट इंटू वन टू फाइव कितना होता है, ये 1000 होता है, एट ऐसे भी कर सकते हैं हम, इधर एट फाइव ज़ार 40 का ज़ीरो कैरी फोर, एट टू ज़ार 16 फोर, 20 का ज़ीरो कैरी टू, एट वन ज़ार 8 और टू ऐड करेंगे कैरी वाला, बना 1000। कैलकुलेशन आपको ऐसी आनी ज़रूरी नहीं है, वो मतलब हॉरिजेंटली लिखना आपको ऐसे आनी चाहिए, ऐड भी करना सब्ट्रैक्ट भी, जैसे मैंने ऊपर ऐड किया पहले इसको इसको फिर इसको, इसी तरह से आपको पहले इसको एक से करना है मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से, फिर मगर मतलब पीछे की ओर करना है, राइट से लेफ्ट की ओर, ये आपको ऐसी आनी चाहिए कैलकुलेशन, इंटू टू नाइन वन, तो ये बनेगा 291000। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का, 738 × 103, अगर अब इसको करना हो, इसको टाइम लगेगा ऐसे करने से, तो इसको हम लिख सकते हैं 738 × 103 को लिखेंगे हम, 738 प्लस इसको ब्रेक करेंगे इंटू है इधर 100 प्लस 3, ये आएगा 738 × 100 प्लस 738 × 3, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी की, जो ये यूज की हमने। तो ये आएगा फिर 738 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आएगा 738 73800 प्लस, जब हम उसको करेंगे 738 को करेंगे 3 के साथ, 8 × 3 = 24 का 4 कैरी 2, फिर 3 × 3 = 9, 9 × 11 का 1 कैरी 1, 3 × 7 = 21 और प्लस 1 तो बना 22, ये बना 22 14, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, अब ऐड कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट के साथ करेंगे, पहले 4 + 0 आया 4, 1 + 0 आया 1, 2 + 8 10 का 0 कैरी 1, 2 + 3 5 और कैरी वाला 1 बना 6 और 7 7 6 0 1 4, ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, लेकिन अगर किसी को ना भी आती हो तो उस वो भी ये ऐसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नाइन सेवन इंटू वन सेवन प्लस 297 × 3, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, हमारे पास इधर ए ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, राइट साइड, जो राइट साइड वाली फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले में होता है वो वैसे दिया है, इधर इधर हमारे पास ये है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी,
इसको हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 297a इंटू 17 प्लस 3, 297 इंटू 20। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 297 को कॉमन निकाला और अंदर बचा 17 प्लस 3। मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब वो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की। इसको जब करेंगे पहले 2 को करेंगे, 0 को लास्ट में इसमें लगाएंगे। 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 9 18, 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 4 15 और ये 0। इसका आंसर देखो कितना सिंपल हो गया। अगर ऐसे करते ये मल्टीप्लाई, फिर ये करते, फिर ऐड करते, ज़्यादा टाइम लेता है, ऐसे 10 सेकंड में क्वेश्चन निकल गया। तो ये था अब जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम। और हमारा क्वेश्चन है, अ टैक्सी ड्राइवर फील्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद फोर्टी लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल डाला अपनी कार में। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड हिज टैंक विद 50 लीटर्स, और नेक्स्ट डे उसने उसको 50 लीटर पेट्रोल डाला। इफ द पेट्रोल कॉस्ट्स रुपीज 44 पर लीटर, अगर 1 लीटर की कीमत पेट्रोल की 44 है, रुपीज 44 है, How much did he spend in all on petrol? उसको कितने पैसे लगे टोटल पेट्रोल जितने उसने डाला। क्वेश्चन बोलता है एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने उसने 40 लीटर का पेट्रोल मंडे को भरा और नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर का पेट्रोल भरा, मतलब 50 लीटर पेट्रोल भरा और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 44 रुपीज़, और हमने बताना है कि टोटल पैसा उसको कितने लगा इसमें, इतनी पेट्रोल में। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे कितना किया मंडे को उसने 40 लीटर्स। इसके बाद पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे उसने किया 50 लीटर्स, टोटल कितना हुआ ये टोटल पेट्रोल फिल्ड 40 प्लस 50 90 लीटर्स टोटल इसने फिल किया। इसके बाद क्या है, नो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है रुपीज 44, तो 9 लीटर की कितनी होगी कॉस्ट ऑफ 9 लीटर पेट्रोल। 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 × 9, 1 लीटर की है 44 और 9 लीटर की 90 है ये, सॉरी क्योंकि टोटल पेट्रोल फिल्ड है 90, 44 × 90 तो ये कितना बनेगा। अब हम इसको अगर अब शॉर्ट में कैसे करेंगे एग्ज़ाम में भी अगर करना हो,
नाइन फोर जार 36 का 6 कैरी 3, 9 फोर जार 36 और 3 39, देखा 39, फिर ऐड किया ये 0। अब एग्जाम में शॉर्टकट कैसे करना है, एग्जाम शॉर्टकट वहाँ इतना डिटेल थोड़ा ये समझ के लिए लिखा है मैंने, ये आया आपका आंसर शॉर्टकट एग्जाम में कैसे करना है आपने, मतलब टाइम सेव करना है वहाँ, अगर इतना लिखोगे तो फिर तो 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को, 1 मिनट के क्वेश्चन को। आप सीधा लिखोगे मंडे की जगह सीधा एम लिखोगे 40 लीटर्स, नेक्स्ट डे के लिए लिखोगे एन 50, टोटल के लिए टी लिखोगे, टोटल आया 90 लीटर्स, एल एल लिखना साथ में ताकि, और 1 लीटर कॉस्ट लिखोगे आप 44, तो 90 लीटर कॉस्ट इक्वल टू 9 × 44, मतलब ये माइंड में भी कर सकते हो आप, बस वहाँ इतने ऐसे लिखना है शॉर्ट में, वहाँ इतनी डिटेल अगर लिखो ये सिर्फ समझ के लिए, सिर्फ समझ होनी चाहिए, बाद में आपने वहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करना है। और ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो, जैसे आप ज़रूरी नहीं है 40 ये भी लिखना 40 और ये, या आप सीधा क्वेश्चन जब लिखोगे कि सीधा लिख सकते हो टी 90 और ये 44 भी 90 × 44 सीधा आना चाहिए माइंड में आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की तो आपको ये मतलब वैसे ही माइंड बनेगा, तो आप इजीली पिकअप करोगे। मतलब ये ख्याल रखना ये ऐसे ही शॉर्टकट लिखना जैसे मैंने बोला, वो वैसे नहीं लिखना उतना डिटेल में, फिर तो मैथ्स ही कवर होगा 2 आवर्स में, 2 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ वेंडर सप्लाइज, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल, टू अ होटल इन इन द मॉर्निंग होगा, इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट रुपीज 15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर, ड्यू टू द वेंडर इन पर डे। सॉल्यूशन, एक को मॉर्निंग में और 68 लीटर बेचता है उसको, देता है उसको इवनिंग में, और 1 लीटर की कीमत है 15 रुपीज़ 15, और उसको कितना पैसा मिलेगा वेंडर को, मतलब होटल वाले ने कितना देना है वेंडर को टोटल, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना बेचता है वो 32 लीटर्स, सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, इवनिंग में है 68 लीटर्स, और टोटल सप्लाई कितना होगी, टोटल सप्लाई कितनी होगी 68 + 32 ये बनता है 100, 8 + 2 = 10, 0 + 1 = 3, 9 × 1 = 10, 100 लीटर्स। और कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क दी है हमारे पास ₹15, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क कितनी होगी 15 × 100, एक की अगर इक्वल टू रुपीज़ 1500,
एक लीटर की कीमत है 15, तो 100 लीटर की होगी 1500, देयर फोर इधर लगेगा भी चलो रुपीज 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो ये क्वेश्चन, इसको भी आपने शॉर्टकट में अगर एग्जाम में करना है, मॉर्निंग की जगह एम लिखना है, एम इक्वल टू 32, इवनिंग की जगह ई लिखना 68, टोटल की जगह टी लिखना 100, और वन एल लिखना 35 या 15, और फिर 100 लिखना 15 इंटू, ऐसे करना एग्जाम में, मतलब शॉर्टकट। उधर इतनी डिटेल में थोड़ी लिख पाओगे, लिखने की फुर्सत ही नहीं होती है उधर इतना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई टू एग्जाम्पल। अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक होल नंबर जीरो होगा या दोनों होल नंबर जीरो होगा, इसके दो केसेस आएंगे। सॉल्यूशन, दोनों केस में यस है ये। फर्स्ट वाला केस है, इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी जीरो। इस बार हमने सिर्फ एक, इन्होंने बोला है क्या हम कह सकते हैं एक जीरो होगा या दोनों, हमने पहले एक वाला देखना है। जब हमने एक कोई और नंबर लिया और एक जीरो, जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, और वही क्वेश्चन में पूछा है। जैसे एग्जांपल लेंगे, टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, सिक्स इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। सेकंड केस है, अगर दोनों जीरो हैं फिर तो आएगा ही आएगा, ये बोथ द नंबर्स आर जीरो, देन द रिजल्ट इज आल्सो जीरो। जीरो एग्जाम्पल, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, वन से रिलेटेड है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल numbers is one, can we say that one or both of them will be one, justify through example। इस वक्त कह रहा है कि अगर हम दो होल नंबर का प्रोडक्ट, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ रहा है रिजल्ट वन, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक होल नंबर वन होगा या दोनों वन होंगे। जो फर्स्ट केस है, इफ ओनली वन नंबर will be one,
देन द प्रोडक्ट, अगर एक ही होगा और कोई और नंबर होगा दूसरा तो प्रोडक्ट वन के बराबर नहीं आएगा, कैन नॉट बी वन। एग्जांपल फाइव, हमने कोई नंबर लिया और एक नंबर वन लिया, तो फाइव इंटू वन इक्वल टू फाइव, टेन इंटू वन इक्वल टू टेन, तो आना चाहिए था प्रोडक्ट में फाइव, ये आना चाहिए था वन लेकिन नहीं आया, इधर भी वन आना चाहिए लेकिन नहीं आया। अब जो दूसरा केस है, ये बोथ बोथ द नंबर्स आर वन, देन द प्रोडक्ट इज वन, फिर तो वन होगा ही होगा, वन इंटू वन तो वन ही होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस सेवन, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। क्वेश्चन कह रहा है कि द हाईएस्ट मार्क जो किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं क्लास में वो ट्वाइस है, द लोवेस्ट मार्क प्लस सेवन, जो उसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं उनका ट्वाइस करना मतलब टू से मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है सेवन, तो वो उसका हाईएस्ट मार्क के बराबर बनता है, और गिवन दिया है हाईएस्ट स्कोर 87, तो हमने निकालना है लोवेस्ट स्कोर। गिवन हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारे पास 87, और हमने निकालना है लोवेस्ट, लेट द लोवेस्ट लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इक्वल टू वाई। हाईएस्ट मार्क हमारे पास दिए हैं 87 और हमने निकालने हैं लोवेस्ट, और जो हाईएस्ट मार्क दूसरी कंडीशन में बताया गया है जो हाईएस्ट मार्क हैं वो इक्वल हैं लोवेस्ट मार्क प्लस सेवन, ट्वाइस इंटू लोवेस्ट मार्क प्लस सेवन, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट मार्क्स प्लस सेवन। और जो कंडीशन है हमारे पास जो ये वाली ट्वाइस वाली, नो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ये क्या बताया, ये बोला है हाईएस्ट मार्क किसके बराबर है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, ट्वाइस लोवेस्ट क्या है वाई, वाई लिया हमने प्लस सेवन, प्लस सेवन, और यही हाईएस्ट मार्क गिवन है हमारे पास 87। ठीक है, बट गिवन हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 87, इन दो को आप कंपेयर करेंगे इसको और इसको, हमारे पास इसको और इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास आएगा देयर फोर 2y प्लस 7 इक्वल टू 87, दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू 87 माइनस 7 आया 80, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40 आया ये, तो लोवेस्ट स्कोर क्या आया हमारे पास, y क्या लिया था हमने, y लिया था लोवेस्ट स्कोर लोवेस्ट मार्क्स, और लोवेस्ट स्कोर ही हमने निकालना था।
देयरफॉर लोवेस्ट स्कोर इक्वल टू 40. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल ने जितने रन लिए हैं सचिन ने उससे दो गुना लिए, मतलब ट्वाइस लिए. और फिर है टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी सेंचुरी. How many runs did each one scored? How many runs did he scored? सचिन जितने राहुल ने स्कोर किया उसका डबल स्कोर किया है सचिन ने. और टुगेदर वो कितना स्कोर कर रहे हैं, मतलब दोनों का जब हम मिलाएंगे दोनों का स्कोर तो वो दो रन शॉर्ट पड़ता है डबल सेंचुरी, मतलब 200 से दो रन कम, मतलब 198 और टुगेदर बनाते हैं और सचिन डबल बनाता है ऐसे जितने राहुल ने बनाए. और हमने इंडिविजुअली उनको बताना है कि किसने कितने स्कोर बनाया है. हम करेंगे राहुल का लेट क्योंकि राहुल से फिर सचिन का भी होगा हमारा. लेट द स्कोर ऑफ राहुल भी, हमने राहुल का स्कोर एक्स मान लिया तो फिर सचिन का क्या होगा, सचिन इसका होगा देन द स्कोर ऑफ सचिन इक्वल टू ट्वाइस एक्स होगा क्योंकि उसका दो गुना ज्यादा है इससे, दुगुना है इससे. क्वेश्चन क्या बताता है, टुगेदर टुगेदर वो कितना बनाते हैं जब इन दोनों का मिलाएंगे हम, एक्स प्लस टू एक्स वो कितना होता है, मतलब डबल सेंचुरी से दो रन कम. 200 माइनस टू इक्वल टू 198, ये आएगा 3x इक्वल टू 198. दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 198 अपॉन 3. इसको जब अब देखो मैंने डायरेक्ट बताया था वो पीछे एड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लीकेशन, अब हम डिवाइड भी करेंगे कैसे करते हैं. पहले ये डिवाइड करना होता है लेफ्ट से राइट की ओर. 3 6 18, 19 में से 18 बचा 1, उस 1 को इससे जोड़ दे बना 18 और 3 6 18. हमारे पास सिंपलाइज्ड एक्स की वैल्यू निकली 66 और एक्स किसके लिए हमने लेट किया है, राहुल के लिए. तो राहुल का स्कोर हो गया देयरफॉर राहुल स्कोर इक्वल टू 66 और सचिन का इसका डबल होगा सचिन स्कोर ट्वाइस एक्स ट्वाइस इंटू 66 इक्वल टू 132. अगर अब हम इन दो नंबर को 132 और इसको इसके स्कोर को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 198. और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी इज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. What is Lakshmi's age? हमारे पास गिवन है फादर की एज है 49 और उसकी बेटी लक्ष्मी है उसकी हमने निकालनी है. लेकिन कंडीशन हमारे ये बताई गई है कि फादर की एज अगर लक्ष्मी की एज को हम लेट करेंगे और उसके बाद 3 टाइम जब करेंगे और फिर 4 ईयर ऐड करेंगे तो वो होगी फादर की एज.
गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लक्ष्मी इज फादर्स एज, वो है हमारे पास 49 ईयर्स। हमने लक्ष्मी की निकालनी है। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई ईयर्स, देन फादर्स एज कितनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से। फादर्स की एज है 4 मोर देन, मतलब 4 ऐड में आएगा, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज से 4 ईयर ज़्यादा है। 3 टाइम जब करेंगे ये बनेगा 3y+4, 3 टाइम आया ना, ये लक्ष्मी की एज 3 टाइम 3y और प्लस 4, ये 4 ईयर ज़्यादा है इससे भी, मतलब ओल्डर है इससे भी। लेकिन गिवन क्या है फादर की एज, बट गिवन फादर्स एज है हमारे पास 49। तो अब इन दो को कंपेयर करेंगे, देयर फोर 3y+4 इक्वल टू 49, दिस इम्प्लाइज दैट 3y = 49 - 4, दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा 45, तो y आएगा 45/3 आएगा 15, और y हमने लेट क्या किया है लक्ष्मी की एज, और यही हमने निकालनी थी। 4 लक्ष्मी एज इक्वल टू 15 ईयर्स। देखो अगर हम इसको अपुट करेंगे इसमें, 3 टाइम्स लक्ष्मी की कितनी बनेगी 45 + 4 = 49, और वही है फादर की एज। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन फाइव टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स करने के बाद भी इरफान के 7 ज़्यादा हैं उससे, मतलब 7 और 5 टाइम करके भी फिर भी इरफान के 7 ज़्यादा हैं उससे। और इरफान के पास कितने हैं टोटल गिवन हमारे पास, इरफान हैज 37 मार्बल्स, 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, परमित के पास कितने हैं, इरफान के पास 37 है। इसका सॉल्यूशन है गिवन इरफान हैज 37 मार्बल्स, और हमने किसके निकालने हैं परमित के, तो वो हम लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, इसको लेट करेंगे हम m के बराबर, फिर देन नंबर ऑफ मार्बल्स क्वेश्चन के हिसाब से इरफान के पास कितने होंगे 5 टाइम्स इसका करने के बाद 7 ज़्यादा, 7 मोर देन 5 टाइम्स, तो ये बनता है 5m+7। बट गिवन इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो इन दो को हम कंपेयर करेंगे, इधर 37 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर 5m+7 आएगा 37,
5m आएगा 37 माइनस 7, इसको इस साइड लेंगे ये माइनस होगा, इतना तो आपको पता होगा ही। अब इक्वल टू 30, तो m आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 30 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 5 6 30, तो 6। देयर फोर परमिट हैज सिक्स मार्बल्स, और यही हमने निकालना था। लेक्चर शायद कंक्लूड करना पड़ेगा, लेक्चर लंबा हुआ, और अब एक छोटा सा लेक्चर आएगा कल, वो आएगा आज ही आएगा वो लेक्चर भी, और वो होगा मतलब वो जो कुछ बेसिक टर्म मैंने सोचा था कि इस लेक्चर में ही कवर कराऊं, लेकिन नहीं हो पाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। छोटा सा लेक्चर आएगा तो होल नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, होल नंबर तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है, उसमें कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे हम, जैसे फैक्टर ऑफ नंबर क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर, इन सब की प्रॉपर्टीज़। ये थोड़ा बनेगा 10-15 मिनट का लेक्चर, ये हम कल कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।